नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लॉकडाउन का मतलब लॉकअप नहीं, आप मेरे राज्य में सुरक्षित, प्रवासी मजदूरों से सीएम। महाराष्ट्र के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठी होने को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि ऐसा शायद इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि 14 अप्रैल से ट्रेन शुरू होगी और वे वापस अपने घर जा सकेंगे। उन्होंने आगे कहा, लॉकडाउन का मतलब लॉकअप नहीं है, यह अपना देश है, आप मेरे राज्य में सुरक्षित है। केंद्र की व्यवस्था न करने का परिणाम है बांद्रा में प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। आदित्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने घर वापस जाने के लिए हजारों प्रवासी मजदूरों के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के मामले में केंद्र को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा, बांद्रा की मौजूदा स्थिति केंद्र द्वारा मजदूरों के घर वापसी की व्यवस्था नहीं करने का परिणाम है। वे भोजन आश्रय नहीं घर मांग रहे हैं, वह घर जाना चाहते हैं। बांद्रा में मजदूरों की भीड़ जमा होने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। बांद्रा में मजदूरों की भीड़ इकट्ठी होने के मामले में विनय दुबे नामक सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। विनय ने 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर लिखा था, सरकार को आखिरी चेतावनी। यह वीडियो महाराष्ट्र में फंसे हर इंसान तक पहुंचाए जो अपने गांव घर वापस जाना चाहते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।